रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं तख्ती मेरी खूबसूरत है, दोनों अपनी मामा के पास चले जाते हैं, अपनी अम्मी के पास जाके तनाजा पर गया, अम्मी के पास चले जाते हैं तो फातिमा तुज़ज़हरा कहती है नहीं तुम अपने पापा के अली के पास चले जाओ। जब हजरत अली के पास जाते हैं तो हजरत अली भी कहते हैं कि जाओ तुम अपने नाना के पास चले जाओ। जब अपने नाना के पास चले जाते हैं तो नाना फरमाते हैं क्या बात है, क्या क्यों दोनों झगड़ रहे हो? तो कहते हैं कि ऐ हसन प्यारा है, तख्ती मेरी खूबसूरत है और मैं कहता हूँ तख्ती मेरी खूबसूरत है। तो मेरे नबी करीम ने पास ही से एक सेब पकड़ा और फरमाया इस सेब को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा, जिसकी चोनी में गिर गया उसकी तख्ती खूबसूरत है। मैं जिसकी चोनी में गिर गया उसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत है। जब अल्लाह के नबी ने उस सेब को पकड़ा और ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अल्लाह ताला जिब्राइल को हुक्म देता है कि ऐ जिब्राइल जाओ उस सेब के दो टुकड़े कर दो, जाओ उस सेब के दो टुकड़े कर दो। जब जिब्राइल सलाम रामबाग की बुलंदियों से नीचे की तरफ तशरीफ लाते हैं आके उस सेब के दो टुकड़े कर दिए, जब दो टुकड़े कर दिए तो एक हसन की जोड़ी में दूसरा हुसैन की जोड़ी में। सुभान अल्लाह, तख्ती ज्यादा खूबसूरत है, दोनों की तख्ती खूबसूरत है। और एक शेर है मिल के पढ़िएगा, हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन इनका हुसैन